Hello students, your subject is Principle of Business Management and today's topic is Strategy Formulation. आज जो हमारा topic है वो है हमारा Strategy Formulation कि भाई what is Strategy Formulation. तो इसमें सबसे पहले Strategy Formulation से discuss करने से पहले हम basically ये define करेंगे कि भाई what is Strategy. आपकी जो स्ट्रेटजी होती है वो क्या होती है और उस स्ट्रेटजी को जो हम फॉर्मुलेट करते हैं उस स्ट्रेटजी को हम फॉर्मुलेशन कहते हैं. बेसिकली स्ट्रेटजी क्या होता है कि जब आप कोई भी प्लानिंग करके आप चलते हो, कोई भी आप प्लानिंग करते हो, ठीक है, और उस प्लानिंग को हमें किस तरीके से हमें उस प्लानिंग को या प्लानिंग के अंदर हमने जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं या जो भी हमने गोल्स जो है जो भी हमने वो गोल्स सेट किए हैं कि हम उन्हें किस तरीके से अचीव करेंगे, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाते हैं. ठीक है, कि हम इस स्ट्रेटजी के थ्रू ये जो भी हमारे गोल्स हैं या जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हम इन्हें फुलफिल करके चलेंगे. ठीक है, तो जब हम स्ट्रेटजी बना लेते हैं तो फिर टाइम आता है कि जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है उसे हम किस तरीके से फॉर्मुलेट करके चलेंगे, उस स्ट्रेटजी को किस तरीके से हम फॉर्मुलेट करें. जब हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हम उसमें जब हमें प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स अचीव करने होते हैं तो हम स्ट्रेटजी जो बनाते हैं उसके कई कोर्स ऑफ एक्शन रखते हैं. कोर्स ऑफ एक्शन मीन्स कि हम स्ट्रेटजी 1 बनाकर चलते हैं, स्ट्रेटजी 2 बनाकर चलते हैं और मैक्सिमम स्ट्रेटजी 3 बनाकर चलते हैं. तो जब हम उसे फॉर्मुलेट करेंगे स्ट्रेटजी को तो हम उसमें से जो भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा या बेस्ट स्ट्रेटजी होगी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो हम उसे बेस्ट को वहां पर सिलेक्ट करेंगे और फिर उस स्ट्रेटजी को हम फॉर्मुलेट करके वहां पर चलते हैं. तो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन जो आपका होता है वो सिंपली क्या है कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज द प्रोसेस बाई विच एन ऑर्गेनाइजेशन चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव इट्स डिफाइंड गोल. की स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन क्या होता है कि जो भी हमने अल्टरनेट स्ट्रेटजी बनाई है उसमें से जो भी बेस्ट होना होगा या बेस्ट एप्रोप्रिएट होगा या बेस्ट सुटेबल होगा हम उसे वहां पर सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जो है कि जो हमारे गोल्स हैं हम उन्हें अचीव करते हैं. तो सिंपल है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन आपका एक प्रोसेस है जहां पर आप नंबर ऑफ ऑल्टरनेट्स में से किसी बेस्ट वन को आप चूज करके वहां पर चलते हैं. इसके अलावा क्या है कि जो आपकी जब हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं तो उसमें एक हमारा पूरा फ्रेमवर्क होता है, एक पूरा प्रोसीजर होता है कि किस तरीके से हमें अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके जो भी गोल्स हैं उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें किस तरीके से फुलफिल करके चलते हैं. अब इसके बाद बात आती है कि भाई जब हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की बात करते हैं कि हम उस स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन को किस तरीके से अप्लाई करते हैं या वो कौन कौन से स्टेप्स हैं कि जो कि हमारे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर यूज होते हैं. तो नेक्स्ट हम इस पर आगे डिस्कस करेंगे कि भाई व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर यूज होते हैं जिनके थ्रू हम जो है स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं. तो इसमें सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो है कि एस्टैब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. एस्टैब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स मींस क्या होता है कि सबसे पहले कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं. ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हमारे शॉर्ट टर्म के लिए है या हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं या हम ईयरली एक साल बाद दे रहे हैं. सपोज करो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया है इस साल के लिए कि भाई हमें अपनी सेल्स के अंदर 30% एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करना है या हमें अपनी सेल जो है 30% हमें अपनी सेल जो है वो वहां पर इंक्रीज करनी है. तो वहां पर आप हमारे जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो सबसे पहले हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि भाई हमें करना क्या है. ठीक है, और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस अपना स्टार्ट करके चलते हैं. जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है हमारा एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट. अभी हमने इससे पहले लेक्चर में जो है एनवायरमेंटल एनालिसिस डिस्कशन किया था पूरा कि किस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट को एनालिसिस करते हैं. तो उसके लिए मैंने इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था सॉट एनालिसिस के बारे में डिस्कशन किया था और कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि एनवायरमेंटल एनालिसिस में आपके यूज किए जाते हैं. तो हम सेकंड स्टेप के अंदर क्या
इसमें भी सीधा लिखा हुआ है कि दिस इन्वॉल्व्स सॉट एनालिसिस मींस आइडेंटिफाइंग द कंपनीज स्ट्रेंथ्स वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो जब हम अपनी स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं उससे पहले हम अपना जो हमारा बिजनेस का एनवायरमेंट होता है उसे हम एनालाइज करके चलते हैं कि भाई क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या हमारी वीकनेसेस हैं, क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या हमारे लिए थ्रेट्स, क्योंकि हम क्या करेंगे उनके बिहाव पर ही अपने आगे का स्ट्रेटजी को हम फॉर्मुलेट करके चलेंगे। जब हमने सबको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या क्या हमारे लिए पॉजिटिव है, क्या क्या हमारे लिए नेगेटिव है, उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी को आगे लेकर उसे फॉर्मुलेट करेंगे। थर्ड वन है कि फॉर्मुलेटिंग क्वांटिटेटिव गोल्स। फॉर्मुलेटिंग क्वांटिटेटिव गोल्स क्या होता है, जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो वो इन टर्म ऑफ फिगर आ जाता है, इन टर्म ऑफ अमाउंट आ जाता है कि भाई हमने जो अपने स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना है वो किस लिए करते हैं कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल्स है उसे हमें इंक्रीज करना है। तो हमें सेल्स कितनी इंक्रीज करनी है, केवल सेल्स इंक्रीज नहीं करनी, हम उसे एक क्वांटिटेटिव उसका एक टारगेट भी वहां पर सेट करेंगे कि भाई हमें जितनी हमने यूनिट पिछले साल सेल करी थी या प्रीवियस ईयर हमने जितनी भी यूनिट सेल्स की थी नेक्स्ट ईयर हम उसमें 1 लाख यूनिट एक्स्ट्रा सेल करेंगे या 50,000 यूनिट हम एक्स्ट्रा सेल करेंगे या इतनी यूनिट हम एक्स्ट्रा सेल उसके अंदर हम करेंगे। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि हम एक क्वांटिटेटिव जो गोल्स होते हैं हमने डिफाइन कर देते हैं, उन्हें हम डिसाइड कर देते हैं। अब इसके बाद का आपका आता है वो है कि ऑब्जेक्टिव्स इन कॉन्टेक्स्ट विद डिविजनल प्लान। जब हम ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, तो वो क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का काम आपका नहीं होगा। तो हम वहां पर क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स इन कॉन्टेक्स्ट विद डिविजनल प्लान, हम उसके साथ साथ डिविजनल प्लान भी बनाकर चलते हैं कि जैसे हमने क्या कहा कि हमें 50,000 एक्स्ट्रा यूनिट इस साल सेल करनी है। तो जब हमें 50,000 यूनिट एक्स्ट्रा सेल करनी है तो जो हमारे अदर डिपार्टमेंट्स होंगे उनकी भी यहाँ पर वर्किंग आ जाएगी। अब वो कैसे आएगी, जैसे प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन वाले अब तक 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो आप अब उनका भी टारगेट क्या हुआ कि अब उन्हें 1.5 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी होगी। तो हम डिविजनल प्लान बनाकर चलते हैं क्योंकि जितने सबके डिविजनल जो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं होने के तब तक हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारा फुलफिल नहीं होने का। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है कि उन्हें 50,000 यूनिट्स जो है उन्हें और एक्स्ट्रा वहां पर प्रोड्यूस करके चलना है। इसके अलावा जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि वो जो हम 50,000 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर कैपिटल फैसिलिटी होनी चाहिए। एचआर का काम क्या होगा, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है कि हम 50,000 यूनिट एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारे लेबर की क्वांटिटी है वो लेबर की क्वांटिटी हमें वहां पर इंक्रीज करनी है, लेबर की क्वांटिटी वो हमें वहां पर बढ़ानी है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा फील्ड स्ट्रैप होता है उसमें हम करते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस। परफॉर्मेंस एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जो हमारा एक्चुअल है और जो हमारा स्टैंडर्ड है हम उसे कंपेयर करते हैं। अब आप ये कहोगे कि अभी तक तो हमने स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट ही नहीं किया तो इसमें पहले स्टेप में हम परफॉर्मेंस एनालिसिस क्यों करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमने पास्ट में अपनी स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट किया है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की है, स्ट्रेटजी जो हमने बनाई है एक बार हम उनमें कंपेयर करते हैं कि हमने स्ट्रेटजी के लिए स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या सेट की थी और स्ट्रेटजी की जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस इससे क्या हो। तो हम जो है लास्ट 2 या 3 ईयर्स की जो भी हमारी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होता है या जो भी हम स्ट्रेटजी बनाते हैं उसके यहाँ पर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि भाई कितना हमने क्या स्टैंडर्ड हमने स्ट्रेटजी के सेट किए और क्या एक्चुअल स्टैंडर्ड्स वो वहां पर हमें मिले। इसके बाद आता है आपका सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजी। जो लास्ट वाला स्टेप होता है कि जब हम स्ट्रेटजी की जो भी परफॉर्मेंस होती है उसे कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, उसे एनालाइज कर लेते हैं एक्चुअल
और स्टैंडर्ड में जूनियर गैप है या गैप नहीं है, उन सबको एनालाइज करने के बाद हम एक फाइनल स्ट्रेटजी का सिलेक्शन कर लेते हैं। इसमें से कर लेते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे पास ऑल्टरनेट ऑफ स्ट्रेटजी होती है उसमें से हम जो बेस्ट वन स्ट्रेटजी होती है हम उसका वहां पर सिलेक्शन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें इसी ही स्ट्रेटजी पर आगे चल के काम करना है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो आता है कि लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, कि जो हम स्ट्रेटजी बनाते हैं ठीक है वो किन किन लेवल्स पर हमें फॉर्मुलेट करनी होती है। क्योंकि क्या होती है कि हमें ऑपरेशनल के लिए या डे बाय डे ऑपरेशंस के लिए अलग स्ट्रेटजी बनाकर चलनी होगी, बिजनेस लेवल के लिए हमें अलग बनाकर चलनी पड़ेगी, और कॉर्पोरेट जो हमारा लेवल होगा उसके लिए हमें अलग से स्ट्रेटजी बनाकर चलनी होती है। तो यहाँ पर जब हम लेवल की बात करते हैं तो 3 लेवल्स होते हैं स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के, कॉर्पोरेट लेवल, सेकंड वन आपका क्या होता है बिजनेस लेवल, और थर्ड वन आपका क्या होता है वो होता है आपका फंक्शनल लेवल। तो हम इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल में जब हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तो कॉर्पोरेट लेवल पर हम क्या देखते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यूली ग्रोथ करे। जैसे इसमें हमने लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन जो है कंटिन्यूली स्टेबल रहे, ये नहीं रहे कि भाई एक साल अच्छी परफॉर्मेंस होगी और दूसरे साल वो परफॉर्मेंस आपकी नीचे चली गई या दूसरे साल वो आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो हम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में यही डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी ग्रोथ मेंटेन करनी है, किस तरीके से हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टेबिलिटी है उसे हमें मेंटेन करके चलना है। सेकंड होती है आपकी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी बेसिकली आपकी क्या होती है कि यहाँ पर हम बात करेंगे एज अ बिजनेस लेवल के ऊपर कि हम किस तरीके से जो हमारा बिजनेस है उसे आगे सर्वाइव करेंगे, किस तरीके से जो हमने ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हैं हम उन्हें किस तरीके से फुलफिल करेंगे, उसके लिए हम एक बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी बनाते हैं। वो तो हमने क्या किया कि भाई ग्रोथ और स्टेबिलिटी कंटिन्यूली चलती रहे, यहाँ पर इन्हें बनाने के लिए हमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से हमें फुलफिल करने होते हैं, तो वो हम करते हैं सेकंड के अंदर जो आपकी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी होती है। अब इसमें लास्ट में आती है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है कि जो हम बिजनेस लेवल में सेट करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव हमें ऐसे ऐसे या किस तरीके से फुलफिल करने होते हैं, तो फंक्शनल एक्टिविटीज में क्या होता है हम इट डिफाइंस डेली एक्शन इंक्लूडिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डिलीवर कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर हम जब फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या डिसाइड क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं कि भाई उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारे डे बाई डे ऑपरेशंस क्या होंगे, हमारे वीकली ऑपरेशंस क्या होंगे, हमारे मंथली ऑपरेशंस या एक्टिविटीज क्या होंगी, और उन्हें डेली लेवल पर या आपका वीकली लेवल पर या मंथली लेवल पर कितने हमें रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, किस तरीके से हमें उन रिसोर्सेज को अप्लाई करना होगा, किस तरीके से हमें उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके चलना होता है, तो ये सारी चीजें हम कहां पर कौन सी स्ट्रेटजी के अंदर आती है वो जो हम फंक्शनल लेवल पर स्ट्रेटजी बनाकर चलते हैं, और ये जो सारी को हम कंबाइन करके हम चलते हैं तो हमारी एक फाइनल स्ट्रेटजी हो जाती है। वो क्या होती है कि जो हम ऑब्जेक्टिव्स उससे फाइनली वहां पर देखते हैं। तो ये हमने डिस्कशन किया है इस लेक्चर में कि भाई स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन क्या होती है, उसके अंदर आपके कौन कौन से स्टेप्स आपके होते हैं, उसके अलावा जो है क्या कौन कौन से लेवल ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है। वेरी सिंपल मैंने आपको बताया है कि एक प्रोसेस होता है कि जो भी बात आपके पास ऑल्टरनेट्स होते हैं उसमें से आप किसी बेस्ट वन को वहां पर चूज करके चलते हो, फिर उसका आपका सिंपल प्रोसेस बताया, ऑब्जेक्टिव सेट करते हो पहले, एनवायरमेंट एनालिसिस करते हो ठीक है, टारगेट सेट करते हो, उसके बाद डिविजनल प्लान्स बनाकर चलते हो, परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हो, और फाइनली आप अपनी स्ट्रेटजी को वहां पर सेलेक्ट कर लेते हो। थैंक यू।